हेलो सर। हेलो, सर आपका नाम? मेरा नाम सोनू माकन है। सर आपके स्टूडियो का नाम क्या है? मेरे स्टूडियो का नाम SM म्यूजिक रिकॉर्ड्स है, जो कि दिल्ली उत्तम नगर वेस्ट में है। सर आपका एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस मैं कहूँ तो मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में करीब 10 साल हो गए हैं। पहले क्या था कि मैं सिंगिंग करता था तो दूसरे स्टूडियो जाता था गाने बनवाने, तो अब मेरा 5 साल से अपना स्टूडियो है SM म्यूजिक रिकॉर्ड्स, जहाँ पर हम दूसरों के गाने बनाते हैं और अपने भी साथ साथ गाने चलते रहते। तो आप कह सकते हो एक्सपीरियंस एज अ सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट एंड कंपोजर एंड साउंड इंजीनियर ऑल्सो। सर आपके स्पेशली मतलब किस चीज में, आप कौन से किस तरह के जॉनर में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? वैसे देखा जाए तो आई एम मोर इंक्लाइंड टू बॉलीवुड एंड पंजाबी इंडस्ट्री। अब जो आप देख रहे हो कि बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री में जो कंटेंट है उसके जैसा कंटेंट पूरे इंडिया में नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हरियाणवी इंडस्ट्री बढ़ रही है, पर इतनी तेजी से नहीं जितनी पंजाबी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ है। आप देखो कि बॉलीवुड में पंजाबी गाने बहुत डिमांड पे हैं, हर मूवी में एक या दो पंजाबी गाने होते हैं। तो मेरा भी इंटरेस्ट पंजाबी म्यूजिक की तरफ खुद है। आई एम ए पंजाबी सिंगर एंड ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो पंजाबी इंडस्ट्री में मैं काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। और सर आपको जो रिकॉर्डिंग करने का जो आपका प्रोसेस रहता है वो किस तरीके से रहता है? बेसिकली क्या होता है रोहन, कि जब कोई हमारे पास म्यूजिक लेके आता है तो उनका बेसिकली क्या होता है रोहन, कि कोई भी हमारे पास फर्स्ट लिरिक्स लेके आता है कि उसके लिरिक्स रेडी होने चाहिए गाने के। अब वो गाना कैसा भी हो सकता है, वो हिंदी गाना भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, हरियाणवी भी हो सकता है। अब उसका फील डिपेंड करता है कि गाने का फील क्या है, कि वो सैड है, रोमांटिक है, पार्टी है या कोई मोटिवेशनल रैप सॉन्ग है। तो बेसिकली हम पहले फील पे देखते हैं कि गाने का फील क्या है। तो हम मेन प्रोसेस रहता है हर स्टूडियो में यही होता है, पहले आपका डमी रिकॉर्ड होता है। डमी का मतलब होता है कि आपकी एक वॉइस जिसके अकॉर्डिंग हम म्यूजिक बना सकें। ओके, जिसके बिहाफ पे आप एक म्यूजिक तैयार करते हैं और बिल्कुल फिर फाइनल रिकॉर्डिंग की जाती है। फाइनल रिकॉर्डिंग अभी बाद में हो जाती है, तो पहले हम डमी लेते हैं, फिर हम म्यूजिक बनाते हैं, उसके फील पे काम करते हैं। उस तरह का म्यूजिक है, अगर पार्टी गाना होगा तो पार्टी म्यूजिक, अगर सैड रोमांटिक सॉन्ग होगा तो सैड रोमांटिक सॉन्ग के हिसाब से म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाते हैं। तो फिर हम म्यूजिक के बाद फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए बुलाते हैं एक बार, और फाइनल रिकॉर्डिंग में हम टेक टेक करके फाइनल रिकॉर्डिंग करवाते हैं। तो फिर हमारा आपका मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का प्रोसेस है। तो आप मान के चलिए गाने को बनने में कम से कम अगर आप टाइम दें तो 15 डेज तो लगते ही है। सर आपका किस टाइप का म्यूजिक आप मतलब बनाते हो? हम हर तरह का म्यूजिक बना रहे हैं स्टूडियो में। आप स्टूडियो का ऐसा कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं है। स्टूडियो में हिंदी काम भी बनते हैं, पंजाबी भी होते हैं, हरियाणवी भी होते हैं, नेपाली भी होते हैं, असमीज गाने भी होते हैं, लद्दाखी गाने भी होते हैं और गुजराती भी गाने होते हैं, तो बंगाली। तो म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज मेरे हिसाब से। तो सर जो बच्चे आजकल जो हमारे यूथ है जो म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहता है, आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूंगा, म्यूजिक प्रोडक्शन देखो एक पहली बात सीखना बहुत आसान नहीं है। आसान उनके लिए है जो पहले थोड़ी सी सिंगिंग करते हो और थोड़ी सी लिरिक्स लिखते हो, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हो। अब म्यूजिक बनाना तो सब चाहते हैं अपने गानों का, पर उसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली मैं म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करूं, मैंने 1 साल का पूरा कोर्स किया था मुंबई से, जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, जीमा से। तो वहां से मुझे म्यूजिक बनाना सीखा मैंने। उसके बाद कोई भी आपकी एकेडमी आपको एकदम से ट्रेन नहीं कर देगी, आप सीख सीख के ही बनाना सीखोगे। तो हमारे यहाँ पर भी यही है, हमारे यहाँ पर जो वहां पर 1 साल का कोर्स था वो मैंने 3 मंथ्स में, इसको जो भी 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने उसको कंपाइल करके 3 मंथ्स का कोर्स रखा है, जिसमें हम आपको म्यूजिक रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग मास्टरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ साथ म्यूजिक थ्योरी, अरेंजमेंट सब कुछ सिखाते हैं आपको। तो सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एक कहते हैं ना कि छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ लोग मतलब अपना एक अच्छा सॉन्ग किस तरीके से बना सकते हैं विद वीडियो के साथ? पहले रोहन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप किसको कहते हैं? ओके, सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मींस आई मीन टू से कि जो जिनका बजट बहुत कम है लेकिन वो फिर भी अपना एक अच्छा सॉन्ग बनाना चाहते हैं अच्छी वीडियो के साथ। बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पहले क्या होता था कि म्यूजिक वीडियो लाख और करोड़ में बनते थे। आप आज किसी भी स्टूडियो में जाके विद इन थाउजेंड्स अपना ऑडियो रेडी कर सकते हो। तो मिनिमम हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि एक अच्छा ऑडियो जो कि आपका थाउजेंड्स में रेडी हो सकता है। वो डिपेंड करता है स्टूडियो टू स्टूडियो। अब जो हमने एक बेस प्राइस रखा हुआ अपना जो रहता है 15,000 सॉन्ग का, इसमें हम आपको पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग एक ऑडियो करके देते हैं, और वीडियो डिपेंड करता है वीडियो के हिसाब से। तो
उसमें गाने में क्या डिमांड है, मॉडल चाहिए, लोकेशन चाहिए, कैमरा चाहिए, मेकअप चाहिए, तो उसके आप एक मिनिमम आप बजट मान के चलो अच्छा म्यूजिक वीडियो जो हम आगे एक लेबल्स को दे सकें, तो वो आपका करीब 50,000 तक ऑडियो वीडियो एक अच्छा बन जाता है। तो सर आज की डेट में मतलब म्यूजिक सीन में क्या चल रहा है, आप कुछ बताना चाहेंगे? तो नए कलाकार है वो बहुत उभर के आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे सोशल मीडिया से, बीट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। टिकटॉक ने भी बहुत सारे पुराने गाने चला दिए जो कि अब इंस्टाग्राम रील्स के बेसिस पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप न्यू सिंगर्स में आप देख सकते हो कि यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पे आप काम कर सकते हो। अब आप वो कवर सॉन्ग बना के भी कर सकते हो और अपने ओरिजिनल्स के साथ भी काम कर सकते हो। तो नया में यही है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कवर्स या ओरिजिनल्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स के साथ आगे बढ़ सकते हो। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपना गाना कहीं भी रिलीज करा सकते हो। यूट्यूब के साथ गाना, सावन, हंगामा, इन सब पे प्लेटफॉर्म्स पे भी आपकी रीच बढ़ जाती है, और जो कि हमारा एसएम म्यूजिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है आपको। तो सर जो लेबल्स हैं बड़े बड़े जैसे कि टी सीरीज हुआ या और भी सोनी म्यूजिक इंडिया, तो सर आप इनके साथ किस तरीके से मतलब कोलैबोरेट करते हो? क्या आपके पास जो गाने बनवाते हैं लोग, आप उनको भी बड़े चैनल्स पे रिलीज करते हो? बिल्कुल। एक लेबल को क्या चाहिए आप बताओ, एक अच्छे लेबल को क्या चाहिए? एक अच्छा आउटपुट, है ना। जब हम लेबल्स के पास एक अच्छा ऑडियो और वीडियो लेके जाएंगे तो वो लेबल क्यों नहीं डालेगी आपका गाना? जब एक लेबल को अच्छा काम मिलेगा तो वो डेफिनेटली डालेगी आपके गाने। तो एक लेबल की यही अप्रोच है कि आप एक अच्छा ऑडियो वीडियो रेडी करके जाओ, अपना बैक टू बैक ऐसा प्रोफाइल बना लो कि आपके 5-10 गाने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अच्छे व्यूज के साथ रन कर रहे हो, तभी आप लेबल्स के पास जा सकते हो। अब हम भी काफी लेबल्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे सोनोटेक म्यूजिक, जी म्यूजिक, फ्रेम फायर प्रोडक्शंस। अभी भी फ्यूचर में बहुत सारी कोलैबोरेशंस है, वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस। पर हम आपका अगर अच्छा ऑडियो और वीडियो है, डेफिनेटली हम बड़े लेबल्स तक आपको लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है सर, मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि आपके फ्यूचर में प्लान्स क्या क्या है मतलब म्यूजिक को लेकर के? देखो, हर बंदा चाहता है जो स्टूडियो में काम कर रहा है कि उसका जो ऑडियो वीडियो है वो आगे तक रीच करे। तो मेरा यही प्लान है, जो भी हमारे साथ काम करता है, जो भी हमारे साथ काम करना चाहता है, उसको आगे एक प्रोफेशनल और प्लेटफॉर्म दे कि वो बंदा बॉलीवुड या बॉलीवुड या अपनी इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके। तो हमारा मेन टारगेट यही है, यही प्लान्स है। जो भी हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे साथ आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो उनको एक ऐसा मुकाम देना है कि वो एक स्टेज पे पहुंच सकें कि उनके आसपास 10-15-20,000 लोग उनका गाना सुनने के लिए तैयार रहे, मतलब ऑडियंस उनके साथ जुड़ सके। बिल्कुल, हमारा यही टारगेट है। बेस्ट से बेस्ट म्यूजिक बना के देना, वीडियो बना के देना, जो कि हमारा एसएम म्यूजिक रिकॉर्ड्स के आप चैनल पे देख सकते हो। सर जो न्यू सिंगर्स है या अपकमिंग जो भी हमारे म्यूजिशियंस है, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले अपने घर से निकलो। देखो, पैसा सबके लिए जरूरी है, जॉब सबके लिए जरूरी है, बिजनेस सबके लिए जरूरी है, पर आप अपने घर से निकलो, आप स्टूडियो विजिट करो, आप उनको अपने गाने सुनाओ और उनसे बात करो कि कैसा गाना बन सकता है इसके बारे में। घर से निकलना बहुत जरूरी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो अपने दिमाग में धारणा बना देते हैं कि हमारा गाना बेकार है, हमारी आवाज बेकार है, हमारी आवाज पसंद नहीं आएगी। तो आजकल हर बंदे की आवाज पे काम हो सकता है, तो घर से निकलना बहुत जरूरी है। तो सर जो नए लोग हैं वो आपसे किस तरीके से आपसे मिल सकते हैं, आपके साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? नए लोग मेरे जो फेसबुक पेज है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हो और वो कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी क्या प्लान्स हैं। Okay, बाकी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल कर सकते हैं 9654202515 9668380349। तो आप सब जितने भी लोग हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, आप हमारे एसएम म्यूजिक रिकॉर्ड्स टीम को सपोर्ट कीजिए और भाई को फॉलो कीजिए, एंड दैट्स इट। अच्छा लगा रोहन आपसे मिलके, आते रहिए स्टूडियो। ओके, थैंक यू सर। ओके।